नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक सेकंड की वीडियो आप इसकी मिस मत करना, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप वीडियो की देने जा रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की, चाहे दरोगा की, चाहे यूपीपीसीएस यूपीएससी, एक वन अभ्यारण्य जरूर आता है, जरूर पूछा जाता है कहां पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। अब आप समझ लीजिए, कांजीरंगा नहीं आएगा आपसे, मानस आपसे नहीं पूछेगा, ये बात भी पक्की है। अब जो नीचे मैं बताने वाला हूं, इनमें से आने की पक्की उम्मीद है, बिल्कुल पक्की, जो नीचे लिखे हुए हैं बानरघाट, फिलगिरी, ये वाले और औरंग, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। तो देख लीजिए, 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगी आपको। अच्छा, भारत के वन अभ्यारण्य आपको जो लोकल लोकल है, जैसे सरिस्का है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है, ये आपने याद कर लिया होगा, पता होगा, चलिए मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैंने आपको पहले याद करा दिए थे। अब बात आती है असम के वन अभयारण्य की। वन अभयारण्य तो याद होंगे ही होंगे, इसके अलावा आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, ये रहे मानस नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी असम में ही स्थित है। अब औरंग वन अभयारण्य इंपोर्टेंट है बहुत, ये तीनों आ चुके हैं कई बार, थोड़ी संभावना इनकी है, अधिक संभावना इसकी है। औरंग वन अभयारण्य, गर्म पानी वन अभयारण्य, मानस वन अभयारण्य और कांजीरंगा वन अभयारण्य कहां स्थित है? असम में। मानस नदी भी कहां पे स्थित है? असम में। अब याद कैसे हो भाई साहब, बहुत गम है इस दुनिया में। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक इस किताब की है, यूपीएससी पार्ट टू की, इसमें मिल जाएगी आपको ये ज्योग्राफी वाले ऑप्शन में कुछ पर्वतों का विस्तार। एक मिनट देख लीजिए, ये किसकी ट्रिक खुली है। हाँ, कल जीप धसी, कराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, ऊपर वाली श्रेणी जास्कर है या नीचे है जास्कर, या पीर पंचाल कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, शिवालिक कहाँ है, ये वाली ट्रिक मिल जाएगी आपको पेज नंबर 130 में यूपीएससी पार्ट टू में। कुल मिला के जीएस के लिए 6 किताब हैं, जीके ट्रिक्स के नाम से 4 और यूपीएससी ट्रिक्स के नाम से अधिकारी वर्ग की परीक्षा के लिए 2, कुल 6 किताब आप जीएस के लिए पढ़ लीजिए। मैथ की 3 किताब हैं, इंग्लिश मैट्रिक्स की 3 किताब हैं, इंग्लिश ट्रिक्स की 3 किताब हैं। आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं, फोटो वोटो खींच के आपको 2-4 भेज देंगे इंग्लिश ट्रिक्स के। और यूपी ट्रिक्स की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको, राजस्थान ट्रिक्स की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर लीजिए इन नंबर पे। ठीक, अब आप ट्रिक देख लीजिए, औरंग हो गया, गर्म पानी हो गया, मानस हो गया, कांजीरंगा हो गया, कहां पे है? असम में। हमने क्या याद किया? बहुत गम है इस संसार में, असम का और गम, असम का और गम। असम का मतलब असम, का मतलब कांजीरंगा, एक बार पढ़ा हुआ आसानी से याद रहेगा। और औरंग, कांजीरंगा वन अभयारण्य, औरंग वन अभयारण्य, ग गर्म पानी वन अभयारण्य, म मानस वन अभयारण्य, चारों कहाँ स्थित हैं? असम में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आया है ये, विलीगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ये प्रश्न आ जाए। विलीगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? विलीगिरी, वलाईगिरी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो इस वजह से आप देख लेना उसे। विलीगिरी हिल टेम्पल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। विलीगिरी पहाड़ियां कहां है? तो कर्नाटक में है, मतलब टेंपल भी है यहां पे एक। विलीगिरी वन अभयारण्य या वलाईगिरी या विलीगिरी ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, यह भी कर्नाटक में है। एक है बंदरघाट या बानरघाट करके, बंदरघाटा ऐसे करके कुछ है, बानरघाट कहीं किसी आम में कुछ और दिया है, यह वन अभयारण्य है कर्नाटक में। ये चारों चीजें कर्नाटक में स्थित है, ये तीनों तो एक ही जगह है और ये दूसरा बानरघाट है। देखो, बंदर आपने देखे भी होंगे, बड़ा सरल है इसे याद करना। बंदर ने काट लिया, किसको काट लिया? बिल्ली को। बंदर वैसे भी काटता ही काटता है, तो ट्रिक यहां पे है, बंदर ने बिल्ली काट ली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बंदर का मतलब बानरघाट वन अभयारण्य, बिली बिलीगिरी पहाड़ी पूछ ले, बिलीगिरी मंदिर पूछ ले, विलीगिरी वन अभयारण्य पूछ ले, कहाँ है? काट कर्नाटक में। बानरघाट वन अभयारण्य कहाँ है? अभी दूसरी वीडियो, अगली बारी में भी मैं आपको यही याद करा दूंगा, कुछ ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई साहब, जो पहले आ गए हैं, जो सरल सरल हैं, जो आपको याद हैं, अब आप पूछ रहे हैं गिरी गुजरात, आराम से बता दिया आपने, शेर के लिए एशियाई शेर है वहां, तो अब ये नहीं आने वाले हैं, पक्का है। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, किसी भी राज्य की को दे रहे हैं, इनमें से आपको प्रश्न मिलेगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और हाँ भैया प्लीज कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि ये ट्रिक काम भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और जिस विषय पर आपको ट्रिक चाहिए प्लीज वो भी बता दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।